अवैध वसूली और करोड़ों रुपए के गबन के आरोपी फाइनेंसर अनिल भल्ला के घर से बरामद हुए 17 जिंदा कारतूस। मंगलवार को ईडी ने फाइनेंसर अनिल भल्ला के सेक्टर 4 स्थित आवास पर की थी रेड, जिस दौरान ये कारतूस मिले थे। ईडी ने सेक्टर 5 पुलिस थाने में इसकी सूचना दी। सेक्टर 5 थाना प्रभारी अजीत कुमार ने आज जानकारी देते हुए बताया कि ईडी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर किया गया है केस दर्ज। आरोपी फाइनेंसर के घर से मिले 15 mm के 17 जिंदा कारतूस। ईडी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत किया केस दर्ज। काबिले जिक्र है कि करोड़ों रुपए के गबन और अवैध वसूली मामले में ईडी की टीम ने मंगलवार को आरोपी फाइनेंसर अनिल भल्ला, उसके दोनों बेटे, एक पुलिस अधिकारी, बिजनेस पार्टनर, सीए सहित अन्य रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा था। ईडी द्वारा यह कार्रवाई मंगलवार सुबह 8 बजे से मंगलवार देर रात तक जारी रही थी। सर, 17 कारतूस मिले अनिल भल्ला से, उसके बारे में बताएं। इन्फोर्समेंट की तरफ से एक रेड की गई थी इसके घर पे, 714 नंबर सेक्टर 4 में। इसके अंदर से उन्होंने हमारे को बताया था भी इसके यहाँ से दो डब्बी मिली है जिसके अंदर 17 कारतूस हैं, 15 mm के। हमारे को रेडिकेशन रेड दे के गए थे, ऐसे ऐसे करके उसके घर से कारतूस मिले हैं, उसमें हमने FIR दर्ज कर दिया, उसमें जांच जारी है। इससे पहले भी कई मामले हैं अनिल भल्ला पर फाइनेंसर, कई मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ पहले भी, उनकी सभी के कुछ एक ऐसे हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ ऐसे हैं जो कोर्ट में जिनको चलान दिए जा चुके हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।